एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। शिवांशी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे उसकी बदमाशी करने का तरीका भी चेंज होता जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शिवांशी ने आजकल बेड के हेड पे खड़ा होना शुरू कर दिया है और आजकल तो वो विंडो भी पकड़ करके खड़ी हो जाती है। शिवांशी कहाँ खड़ी हो? कहाँ खड़ी है तुम्हें पता है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। डिसबैलेंस फिर खड़ी हो गई। शिवांशी ऐसी करना क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है इंग्लिश में? क्या बोल रहा है इंग्लिश में बताओ? कहाँ जाना है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अमेरिका जाना? मम्मी को डरा रही है। डरा रहा है क्या बेटी? डरा रहा है? किसको डरा रहा? किसको डरा रहे? बताओ। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर पाती, क्योंकि घर में अभी काम चल रहा है तो वीओ कर पाना और एडिटिंग कर पाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये क्लिप है हमारी एनिवर्सरी का, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी ना उस दिन इवनिंग का। तो मम्मी डैडी मुझसे सुबह से बोल रहे थे कि कहाँ चलना है, कहीं चलते हैं, कुछ खा के आते हैं कहीं पर। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि गौरव भी नहीं थे साथ में, तो मेरा मन ही नहीं था कहीं बाहर जाने का। तो मम्मी डैडी ने घर पे ही कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किए मेरे एनिवर्सरी, और उन्होंने मेरी सारी फेवरेट चीज़ें मंगवाई थी, जैसे पिज़्ज़ा, चॉकोलावा केक, स्ट्रॉबेरी शेक। तो हम लोगों ने घर पे एक ऐसी छोटी सी पार्टी करी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मुझसे ज़्यादा तो शिवांशी एक्साइटेड थी इतनी सारी चीज़ें देख करके। इससे पहले जब डैडी ने मोमोज और फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे ना, तो शिवांशी ने सबसे पहले टेस्ट किया, उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें खाने में। बट मैं शिवांशी को ज़्यादा ये सब चीज़ें देती नहीं हूँ, उसको थोड़ा सा टेस्ट करने को दे दिया, बस उतना इनफ है। इससे ज़्यादा मैं शिवांशी को नहीं देती क्योंकि बच्चों को फास्ट फूड की आदत अगर अभी से लग जाएगी ना तो फिर वो अपना खाना नहीं खाते अच्छे से। ऐसा लगता है जैसे शिवांशी के मन में ऐसा चल रहा होगा कि पहले मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या मैं पिज़्ज़ा खाऊँ। तो वो कभी कोल्ड ड्रिंक को देख रही थी, कभी वो पिज़्ज़ा के बॉक्स को देख रही थी। शिवांशी की इसी तरह से ये क्यूट क्यूट सी हरकतें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब कभी मुझे स्ट्रेस भी होता है ना और मैं सिर्फ शांत बैठ करके शिवांशी को देखती हूँ ना, तो मेरा स्ट्रेस कब कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। किसी ने मुझसे कहा भी था कि अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो या आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो सिर्फ आप एक बच्चे को उसकी हरकतें करते हुए देखते रहो, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। My favorite chocolate lava cake, a strawberry
मिल्कशेक विद पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक। तो ये तो था छोटा सा सेलिब्रेशन, और मैंने सोचा क्यों ना गौरव और पूरी फैमिली के साथ मिलकर के केक कट किया जाए। बहुत बड़ा तो केक नहीं था, छोटा सा केक था, बट मुझे लगता है ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ना आपस में शेयर करने से प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने सबको वीडियो कॉल किया, टचवुड सभी लोग साथ में ही थे, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। तो हम लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी मिस किया उस दिन, काश कि हम लोग साथ में होते, बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और हम तीनों साथ में व्लॉग शूट करेंगे और आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि गौरव वहाँ अपनी फैमिली के साथ में एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं अपनी फैमिली के साथ में एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। फैमिली होने की सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग कभी भी अकेले नहीं रहते, हमेशा हमारी फैमिली ना हमारे साथ में रहती है। मुझे लगता है शिवांशी को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ना बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसको चॉकोलावा केक तो कुछ खास नहीं लगा, बट आई एम हैप्पी कि उसे हेल्दी चीज़ें पसंद आ रही हैं, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ वो नहीं अट्रैक्ट होती। थोड़ी ना पीता शिवांशी दूध, माउथ से, नाक से नाक दबा पिलाएगी शिवांशी उसे, नाक से पिला रहे दूध क्यों? और आजकल शिवांशी ने अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ में कुछ इस तरह से खेलना शुरू किया है। अभी तक तो वो उन्हें टच भी नहीं करती थी, ये शायद फर्स्ट टाइम था वो उसके साथ में इस तरह से खेल रही थी। गुड्डू ऐसे पिलाती है मम्मा तुम्हें दूधू? मम्मा ऐसे पिलाती है? तो देखिए आपने शिवांशी की क्यूट क्यूट बदमाशियां। तो शाम का टाइम हो गया था और हम लोग निकल आए थे मार्केट, एक्चुअली दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी थी, दिए लेने थे और स्वीट्स लेनी थी। तो मार्केट कुछ इस तरह से सजी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने लंबे समय के बाद में इतनी चहल पहल देखने को मिल रही थी और इतनी अच्छी डेकोरेशन देखने को मिल रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों बाद में ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि भले ही एक दो साल बीता हो मगर ऐसा लगता है जैसे बहुत समय निकल गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाए। तो इतने दिनों बाद ये डेकोरेशन और लोगों को शॉपिंग करते हुए देखना, फेस्टिवल की तैयारी करते हुए देखना, बड़ा अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख करके। कम से कम कुछ तो डर कम हुआ है, बट अभी हाँ अभी उतना भी सेफ नहीं है, तो सेफ्टी अपने साथ में ही रखिएगा, आई मीन अपना मास्क, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहिएगा। और मार्केट से लौटने के बाद, क्योंकि उस दिन धनतेरस था, तो धनतेरस की हम लोगों ने कुछ इस तरह से पूजा की। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।